हेलो बच्चों, अभी हम आज से जब पी ब्लॉक का इम्पॉर्टेंट उसमें जो रिएक्शंस है या जो भी है उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करके हम ज़रा डिटेल में जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है तो उसको हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और काफ़ी बच्चों ने पी ब्लॉक देख लिया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि सभी बच्चों ने मेरे सारे क्वेश्चन देखे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं पी ब्लॉक पे पूरे क्वेश्चन जितना भी हो सकता है मैक्सिमम अच्छा अच्छा करके देने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी देखते हैं, टाइम कितना बचा उस पर देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। देखते हैं अभी पी ब्लॉक का। तो उसमें नाइट्रोजन का लेबोरेटरी मेथड है, देखो ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, ये लर्न कर लेना है आपको। तो उसमें देखो अभी इसको ये आपका लेबोरेटरी मेथड पहले रहा फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होता है, आपको सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बाहर निकालना है। मतलब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है इसमें, चार, चार हाइड्रोजन है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे टोटल कितने, चार हाइड्रोजन, मतलब चार वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, याद रखने का ऐसे रखना है चार। उसके बाद में फिर चार वाटर निकले मतलब कितने ऑक्सीजन निकल गए, चार निकल गए ऑक्सीजन। अब बचा क्या आपका Cr2, और कितने ऑक्सीजन बचे, सेवन से फोर गए थ्री, तो Cr2O3 बचेगा, Cr2O3। तो ये बाहर निकले, अब बचा क्या दो नाइट्रोजन, इसे अब दो नाइट्रोजन बाहर निकाल लिया हमने, ये बैलेंस देख लीजिए कितना इजी हो गया। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से सबसे पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बाहर निकालना है। तो ठीक है, अब इसको ऐसा भी ऐसे 4:8, चलो ऐसा कर लेते हैं बैलेंस करके 4:8, तो हमने 4 कर लिया, तो 4:8 हाइड्रोजन बाहर आ गए, ऑक्सीजन कितने चाहिए, चार, चार यहाँ से ले लिए, हो गया, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद फिर Cr2, और कितने ऑक्सीजन, चार निकाले तीन बचे, सेवन में से फोर निकालेगा थ्री बचे, तो हो गया Cr2O3। अब बस दो नाइट्रोजन बाहर, बैलेंस देख लीजिए, सिंपल याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा, फ्रॉम अजाइड, अजाइड में लिया मैंने बेरियम अजाइड और दूसरा लिया सोडियम अजाइड। देखो नाइट्राइड वाले होता है नाइट्रोजन में -3 चार्ज, और जो अजाइड जो होता है वो N3 होता है, ये ध्यान रखना N3 या अजाइड। तो बेरियम अजाइड सोडियम अजाइड इससे आपको प्रिपेयर करना है। तो ये मैंने इसमें नहीं डाला है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें ले रहा है क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझ के भी ले रहा हूँ उसको। तो अब इसमें से बेरियम को बाहर निकाल लो, फिर कितने नाइट्रोजन, 3:6, 3:6 हो गया बैलेंस। अब सोडियम अजाइड हीट किया हमने, तो उसमें मेटल को बाहर निकालो नाइट्रोजन, तो कितना नाइट्रोजन, 3:6 हो गया, 3:6 बैलेंस आ जाएगा क्या, देख लीजिए इसको करके, तो समझ में आया ना बिल्कुल। तो अब ये दोनों को दोनों अच्छे से कर लीजिए, तो आपका ये नाइट्रोजन हो गया बिल्कुल ही क्लियर आप, ठीक है। तो अब एक इसमें दूसरा है, देखो अभी फ्रॉम हैबर्ड्स प्रोसेस, अब देखो दूसरा जो हमको करते हैं फ्रॉम हैबर्ड्स प्रोसेस, हैबर्ड्स प्रोसेस याद आता है आपको, ये इसको पूरा वर्ड्स में लिख लेना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन लेना है और हाइड्रोजन के साथ रिया करना है। कंडीशन याद है आप लोगों को इसकी, 700 केल्विन टेम्परेचर प्रेशर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कैटलिस्ट लेते हैं आयन, ठीक है ना। अब आपको यहाँ लेना पड़ेगा इसमें प्रोमोटर लेना पड़ेगा Al2O3 के साथ, आप क्या लेते हैं यहाँ पर K2O, ठीक है, मॉलिब्डेनम भी ले सकते हैं, K2O ऐसा ले लिया। तो अब यहाँ हमारा आपका अमोनिया, देखो NH3, दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मैंने बैलेंस किया, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, देखो है। तो इसको वर्ड्स पे लिखना है, इसके कंडीशंस याद रखना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट, ये हैबर प्रोसेस एक आपको तैयार करना है, ठीक है। तो देख लीजिए कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आप देखते हैं इसके कुछ रिएक्शन देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन विथ नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट देखना है आपको। तो अब ये जो होता है अल्कलाइन पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड को बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट, याद रखना है आपको। ये एक बार का पूछ सकता है व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट, तो वो आपको याद रखना, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड को बोलते हैं हम लोग क्या, नेस्लर्स रिएजेंट। अब ये फॉर्मूला है K2HG2I4, ये हो गया इसका फॉर्मूला, उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट किया इन अल्कलाइन मीडियम में हमने, ठीक है। तो अब इसको इससे बनेगा आपका NH2, इसको ऐसे लिख देता हूँ NH2 HGO HGI, ये आपको याद कर लेना पड़ेगा भैया, NH2 यहाँ से हमने लिया NH2, फिर दो HG HG, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन लो HGO HG, और यहाँ से आयोडीन। तो ये हो गया आपका आयोडाइड ऑफ
मिलियंस बेस बोलते हैं इसको, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। अब बाकी बैलेंस करना है, अभी कितने यहाँ पे पोटेशियम है, 2 2 4 और 3 7 7 और आयोडीन 4 2 8, तो एक यहाँ पे यूज हो गया, 8 7 यहाँ बचा हुआ। अब हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 3 यहाँ पर है और एक यहाँ से, 4, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2, एक हमने यहाँ यूज़ कर लिया, 2 यहाँ यूज़ कर लिया। अभी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इसमें फॉर्मूला है ना उसका, आयोडाइड्स ऑफ मिलियंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है, आ जाएगा, इसको आप कर लीजिए तैयार। उसके बाद फिर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम, मतलब जो मेटल्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन EMF सीरीज जो रहता है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन उसके नीचे जितने मेटल्स सारे एक्टिव मेटल्स, मतलब मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो EMF सीरीज मीन्स दे हैव लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो माइनस में होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव मेटल्स। तो हमने इसमें दो ले लिया, सोडियम पोटेशियम। सोडियम को मैंने अमोनिया से रिएक्ट किया एट 573 केल्विन, तो क्या बनेगा, सोडामाइड बोलते हैं इसको हम लोग, क्या होते हैं इसको, सोडामाइड ऐसा बोलते हैं इसका नाम। कैसे बना, Na पर प्लस चार्ज, ठीक है, NH2 अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, Na पर प्लस चार्ज और अमोनिया से NH2H, तो यहाँ पे माइनस और इधर प्लस, देखो NaH2, देखो प्लस माइनस हो गया, और यहाँ का बच्चा H और H करके वाटर मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, H कंबाइन करके NaNH2 ऐसा कर लेना। तो अभी कितने, 2 सोडियम है और NH2, तो हमने बैलेंस कर दिया इसको, ये देखो, और 2 हाइड्रोजन बाहर आ गया। वैसे यहाँ भी करना है आपको, पोटेशियम प्लस 1 चार्ज NH2, इसको ट्वाइस कर लेते हैं, इक्वेशन बैलेंस, तो इसको बोलते हैं पोटैशियमाइड। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये 2 इसके रिएक्शन है, देख लीजिए, सिंपल है ना। अब आयनिक इक्वेशन को चार्जेस से करना है, प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूँ, देख लीजिए, अब NH2H से माइनस चार्ज है, तो ये प्लस माइनस, देखो बन गया ना प्रोडक्ट, और ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, ये के प्लस NH2 माइनस, देख लीजिए ऐसा कर लेना, तो याद रखना पड़ेगा, तो अब कभी भूल जाओ तो थोड़ा सा टेक्निक तो याद रखनी पड़ेगी ना। ऐसे भी आपने चैनल का नाम ही है शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स, तो इसलिए टेक्निक बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये याद होएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारे जितने भी अभी पहले आज 15 ग्रुप डिस्कस कर रहा हूँ, तो 15 ग्रुप्स के पूरे हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट में देखेंगे। और तो 15 ग्रुप आज तैयार कर लीजिए, और आज बिल्कुल बैठ के पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलो तन नोट डाउन कर लीजिए, चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp3। अब इसके पास 3 sp मतलब 4 sp3 हाइब्रिडाइज, उसमें 3 बॉन्ड पेयर है NH NH NH, और एक में लोन पेयर, मतलब sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उसमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर है और बाकी 3 क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर्स। तो इनका बॉन्ड पेयर याद रखना पड़ेगा आपका, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी बॉन्ड लेंथ याद रखना पड़ेगा कितना है इसका, 101.7 पिकोमीटर, तीनों का 101.7 पिकोमीटर, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 107.5 डिग्री, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट, अब नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का ओस्टॉल प्रिपरेशन मेथड याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्टेप है, तो मैं सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूँ उसके, अब वर्ड्स ऐड कर लीजिए इसमें। तो अमोनिया को हमने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज किया, हमने कैटलिस्ट जो लिया है वो प्लैटिनम गॉज लेंगे, गॉज मतलब नेट होता है जाली, और रोडियम गॉज, तो इनमें से कोई एक लेना, प्लैटिनम और रोडियम गॉज कैटलिस्ट, और टेम्परेचर लेना है आपको 500 केल्विन, और प्रेशर लेना है 9 bar। तो जब इसका हम रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर, आपको ये याद रखना है, नाइट्रिक पहले स्टेप क्या बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड, और बाकी जो बचा है वाटर, क्योंकि अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचे तो वाटर, ठीक है। बैलेंस कर लेना, उसको बैलेंस कर लिख दिया मैंने, कर सकते बैलेंस, 4 ले लिया मैंने यहाँ पे, 4 नाइट्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन मतलब 5 2 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 10 और यहाँ 5 2 10 है ना, 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पे 4 10, हाइड्रोजन कितना है 4 3 12, तो 6 2 12 बैलेंस। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इग्नोर क्या थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब सेकंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड जो उसको वो ऑक्सीडाइज होकर बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन कंबाइन होकर बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बैलेंस कर लेना, ईजी है, ट्वाइस कर देना,
तो टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन, टू जो फोर, टू यहाँ पे, टू यहाँ पे। उसके फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने फिर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज किया हुआ, तो बनेगा आपका नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, ये फिर से रिसाइकल यूज हो जाएगा यहाँ पर, पहले मतलब सेकेंड स्टेप, सॉरी यहाँ पर आपका रीयूज हो जाएगा, साइकिल बैक इन टू सेकेंड स्टेप। तो ये तीन इसके रिएक्शन, तो वर्ड्स आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखते हैं अभी यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल्स। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद कॉपर। तो आप देखो, कॉपर को मैंने डाइल्यूट के साथ रिएक्ट किया और कॉन्सेंट्रेटेड, तो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रस ऑक्साइड, और कॉन्सेंट्रेट के साथ क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसे ही आप देखेंगे जिंक के साथ देखेंगे तो याद देखो कॉन्सेंट्रेट के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट के साथ बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। बाकी अब ये जो है मेटल नाइट्रेट, देखो यहाँ मेटल नाइट्रेट, जिंक लिया मेटल तो जिंक नाइट्रेट, यहाँ कॉपर लिया तो कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट वाटर फिक्स है, यहाँ पे जिंक नाइट्रेट और वाटर फिक्स है, ये दो प्रोडक्ट बने। मतलब आपने मेटल लिया और नाइट्रिक एसिड जब ले लिया आपने, तो उसमें मेटल नाइट्रेट बनना फिक्स है और वाटर। अब आपको याद है जब कॉपर लेते हैं तो डाइल्यूट में क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड, और जिंक में बनेगा डाइल्यूट के साथ नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, अब आपने कॉन्सेंट्रेट लिया तो कॉपर के साथ बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जिंक के साथ बनेगा आपका नाइट्रोजन। देखो यहाँ दोनों में सेम प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेट सिर्फ कॉपर में डाइल्यूट के साथ क्या बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, और जिंक में डाइल्यूट क्या बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, फॉर्मूला अलग है, NO यहाँ पे N2O, इतना ही डिफरेंस है, तो कितना जल्दी याद हो जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप देखो यहाँ पर रिएक्शन विद गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड लिया तो पहले हमने नेसेंट, क्योंकि हमने इसके साथ रिएक्ट किया तो नेसेंट क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, तो पहले बनेगा ऑरिक क्लोराइड, फिर उसको ऐसे रिएक्ट किया तो बनेगा ऑरो क्लोरिक एसिड, ठीक है। फिर हमने प्लेटिनम के साथ रिएक्ट किया तो क्लोरिन तो बनेगा आपका PtCl4, फिर उसको HCl से रिएक्ट किया तो बनेगा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। तो फॉर्मूला याद रखना H2PtCl6, और ऑरो क्लोरिक एसिड में होता है HAuCl4। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको कर लीजिए अच्छे से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, एक एक दो दो बार लिख के निकालना पड़ेगा आपको चार्जेस पर। अब यहाँ पे अगर थोड़ा ये लिया है क्या नाम, नेसेंट क्लोरीन लेके किया हुआ है, क्योंकि HCl और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, एक्वेरिजिया के साथ करना पड़ता है इसको रिएक्ट, तो इसलिए उससे ये नेसेंट मिल रहा है आपको क्लोरीन, ठीक है ना। तो अभी तो खैर उतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, अभी आपको सिर्फ मेन जो है रिएक्शन इसको अच्छे से करके निकालना है, इसमें सब आएगा आपका पोर्शन, ठीक है, इतना देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। तो अब इसमें हम नॉन मेटल लेंगे कार्बन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस। थोड़ा बैलेंसिंग आपको इसका थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स थोड़े बड़े हैं इसके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने नाइट्रिक एसिड को हमने कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो बनेगा कार्बन ऑक्सीडाइज जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे बाय प्रोडक्ट फिक्स बनेगा NO2 और वाटर, सभी देखो NO2 वाटर, ये बाय प्रोडक्ट फिक्स है। तो कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। आयोडीन किस में किसमें ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, आयोडिक एसिड में। सल्फर किस में हो रहा है, सल्फ्रिक एसिड में। फॉस्फोर किस में हो रहा है, फॉस्फोरिक एसिड में। बाकी बाय प्रोडक्ट वही है, और आपको बैलेंसिंग याद करनी पड़ेगी इसके, सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। उसके फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो आप क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, मतलब ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट है, इसमें नाइट्रेट आयन का सॉल्यूशन लिया आपने, उसमें हमने डाल दिया क्या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सॉरी पहले डाल देते FeSO4 और उसको हीट करके कूल कर लेते हैं, फिर बाद में कॉन्सेंट सल्फ्यूरिक एसिड वॉल से डालते धीरे धीरे, तो वॉल से जैसे दोनों जहाँ जंक्शन होगा, मतलब दोनों लिक्विड जंक्शन जहाँ मिल जाएंगे, तो वहाँ पे एक ब्राउन रिंग मिल जाएगी, तो इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ध्यान रखना, टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें क्या लिया हुआ नाइट्रेट आयन का सॉल्यूशन, उसमें हमने डाल दिया FeSO4 और उसको हीट किया कूल किया, और उसमें डाल देते हैं फिर क्या कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे वॉल के साइड से डाल देते हैं, और जब जहाँ दोनों लिक्विड टच हो जाते हैं तो वहाँ पे बनता है ब्राउन कलर का रिंग। तो उसकी रिएक्शन देख लीजिए, अभी आयनिक फॉर्म में है, आयनिक इक्वेशन है। तो नाइट्रेट आयन जो सॉल्यूशन में हमने फेरस सल्फेट से फेरस ले लिया यहाँ पर, और सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन आयन। तो जब ये रिएक्शन करेगा बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड, फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वाटर बनेगा, फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है FeH2O,
ये नाइट उसके साथ रिएक्ट होगा आपका NO, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये बनेगा आपका ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, ये बना आपका FeH2O NO, उस पर प्लस टू चार्ज, ये याद रखना पड़ेगा, और H2 निकलेगा इसमें, हो गया। आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी तो इसकी थोड़ी, क्योंकि इसको याद करना पड़ेगा आपको पूरा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है फेरस से फेरिक में, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, मतलब दो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो जाके वाटर, इससे कंबाइन होकर वाटर बन जाता है। फिर यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ, ये जो फर्स्ट टाइम बना आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, वो इससे रिएक्ट करेगा और बनेगा आपका ये कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कर लीजिए इसको तैयार, ठीक है ना। ये रिएक्शन इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये डॉटने का थोड़ा प्रॉब्लम ही रहता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेन की कुछ रिएक्शंस, उसकी प्रिपरेशन की। तो ये प्रिपरेशन जनरल प्रिपरेशन मेथड है, तो आपको क्या करना है, कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के साथ या फिर एसएल के साथ रिएक्ट करना है। तो वाटर के साथ किया तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फेन गैस, और अगर आप क्या करते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड को एसएल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट और फॉस्फेट। ज़्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, इस पर प्लस चार्ज है, टू प्लस, यहाँ पर ये माइनस, तो CaCl2 बन गया, और बाकी फिर ये कंबाइन हो जाएगा तो फॉस्फेन। वैसे यहाँ पर भी कैल्शियम प्लस चार्ज और यहाँ पर वाटर, तो वाटर का जो है ना आपका OH ग्रुप, वाटर ऐसे लिखते हैं ना HOH और H, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस प्लस कंबाइन हो जाएगा, और ये प्लस और ये बाकी है, तो यहाँ पर इस पर माइनस आएगा ना चार्ज, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो माइनस प्लस कंबाइन होंगे, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ऐसे आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड लेते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की थ्री कैंसिल है, उसमें AlP फॉर्मूला है, और उसको सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया तो बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस थ्री चार्ज, यहाँ पे माइनस थ्री चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया, और ये दोनों कम हो गए फॉस्फेट। तो ज़्यादातर ऐसा करना है, कहीं कहीं आईडी की इक्वेशन लेते थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। फिर अब लेबोरेटरी मेथड देखते हैं इसमें नेक्स्ट, जो सेकेंड जो लेबोरेटरी मेथड, ये फर्स्ट हो गई, सेकेंड और ये थर्ड। तो फॉस्फोरस को क्या करेंगे, एक्वियस NaOH का रिएक्ट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनेगा फॉस्फीन। तो आपका यहाँ से हाइड्रोजन लेके फॉस्फीन बना लो, बाकी कंबाइन करके बनता है NaNaH2PO2, ठीक है। और उसके बाद फिर प्योर फॉस्फीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉस्फोनियम आयोडाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो बनेगा फॉस्फीन, प्योर इससे बनता है, प्योर पूछेगा तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, प्योर फॉस्फीन बनाने के लिए आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो पोटेशियम पे प्लस, ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये कंबाइन हो गया आपके, देखो PH3 पोटेशियम आयोडाइड और वाटर बाहर गया, OH और H यहाँ से मिल जाएगा, तो वाटर बाहर आ जाएगा, इक्वेशन बैलेंस किया है तो आना ही चाहिए बैलेंसिंग, तो ठीक है। इतना रिएक्शन, तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कहीं कन्फ्यूज होता है फिर प्लस माइनस चार्ज देख के एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो ही जाएगा वो, तो ठीक है, इतना कर लीजिए, ठीक है। अभी ये तो पी ब्लॉक के अभी मतलब 15 ग्रुप का पूरे जितने सारे थे रिएक्शन और पार्ट में ले लिया, अब आपके स्ट्रक्चर बचते हैं, तो एक तो मैंने अमोनिक ले लिया स्ट्रक्चर, अब बचा होगा PCl3 PCl5 का स्ट्रक्चर कर लेना, और ऑक्सी एसिड्स और फॉस्फोरस पूरे उसके स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है कुछ से, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, अब 15 ग्रुप अच्छे से तैयार कर लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सभी को आएगा, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आपको आपकी पूरी हेल्प करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इतना, इसको हार्डली एक घंटा लगेगा याद करने के लिए, एक घंटे काम है, इतना खत्म। अब अच्छा, अब 16, 17, 18, अभी इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करता हूँ, ठीक है, तब तक इतना आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, ओके।